और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज। जानते हैं एक नजर आपकी मुख्य खबर पर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी की ओर से एक पत्रकार परिषद रवि भवन नागपुर में संपन्न हुई, जिसमें राज्य स्तरीय महानगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में मानवाधिकार पार्टी के केवल महाराष्ट्र की कार्यकारिणी मौजूद थी, सभी जिले की कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सभी पदाधिकारियों को मानवाधिकार पार्टी के उद्देश्य और कार्य के बारे में मानवाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी तपन कुमार रॉय इन्होंने संबोधित किया और साथ ही जनता की समस्या को दूर करने की भी बात की। तो देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज दिनांक 6 तारीख मार्च 2022 को इस रवि भवन परिषद में जो महाराष्ट्र के जो इलेक्शन होने वाला है महानगर पालिका का, उसके लिए माननीय अपना महाराष्ट्र अध्यक्ष एस एल गायकवाड़ सर, उपाध्यक्ष नारायण गायकवाड़ सर, इन्होंने जो इस भगत सर को जो भी कुछ मुद्दे पे बात हुई है, उस मुद्दे पे चर्चा भी हुई, इसके जवाब ठाकुर सर ने, साकरे सर ने, मैंने उनको उस बात का खंडन किए, समाधान किए, और उसके बाद भगत सर के आदेश से जो इलेक्शन का जो भी कुछ मुद्दे हो, ये महाराष्ट्र अध्यक्ष जो जैसे ठाकुर सर ने जानकारी दी है, इसके जैसे पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इसके आने वाले दिन इस क्षेत्रों में इलेक्शन है महानगर पालिका महाराष्ट्र के, तो हम चाहते भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के मिलकर काम करें, इसको जो जन जन जनता की जो सेवा समस्या है, जो बेरोजगारी है, जो आने वाले जो समस्या है, उसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के जो वरिष्ठ नेशनल अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी जो भी हो, मिलकर एक अगला तय करेगी कि आने वाले इलेक्शन कैसा लड़ा जाए, बांड कैसा लड़ा जाए, कैसे किया जाए, एक इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग होगी। ये बोल के मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के राष्ट्र प्रभारी श्री तपन कुमार रॉय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।